हेलो, क्या हुआ जिया? डैडी, मैंने आपको कल बोला था ना। तुमको कुछ और बोलना है क्या? डैडी प्लीज, आप मेरी बात मानिए, आज वो रिलीज हो रहा है। हाँ तो? डैडी आप मत जाइए, कम से कम किसी और को भेज दीजिए। जिया, मुझे जो भी बोलना था वो मैंने कल बोल दिया, इसके अलावा और मैं क्या बोलूं? डैडी, पिछले 8 साल में हम में से उससे कोई भी मिलने नहीं गया, चाहे कुछ भी हो, है तो वो आपका बेटा ही। बेटा? किसका बेटा? वो बेटा मेरा सबसे बड़ा शौक है। डैडी, 8 नहीं 100 साल बाद भी वो मेरा बेटा नहीं बन सकता। उसकी वजह से सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे खानदान का नाम बदनाम हुआ है। अपना घर शहर सब छोड़ना पड़ा। आइंदा उसकी वकालत करने के लिए फोन मत करना मुझे। नमो नारायण भजो भजो नमो नारायण नमो 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 नारायण नमो नारायण। किसी और को देखे तुम इधर आ जाओ। गुड मॉर्निंग जॉय। गुड मॉर्निंग सर। आज सुबह कब उठे? यही कोई 5:30 बजे सर। तुम जरा मेरे साथ आओ। ओम नमो 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 भजे। क्या हुआ, तुम्हारा मूड ऑफ है? 8 साल बाद रिलीज होते समय आदमी के चेहरे पे खुशी दिखती है। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। मेरा बेटा भी तुम्हारे उम्र का है, उसके नाप के हिसाब से मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाया हूँ। बिल्कुल फिट है, तब तो पैंट भी फिट ही होगी, है ना जॉय? पैंट का नाप तो आपको अच्छी तरह मालूम होगा ही। मूड ऑफ तो है, लेकिन ताना मारना नहीं भूलोगे तुम। नमो नारायण नमो भजे। ये लो, बैठो तुम। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो भजे। मैं आई? हाँ, अंदर आओ। क्या है? सर, रोटी और मटन करी का बिल। देखो, रोटी 8,437.50। अच्छा, बिल्कुल सही है सर, 437.50। एकदम सही है। अंदर रहने वालों से ज्यादा बड़े चोर हैं उनको देखने वाले। नहीं, क्या बात सर? नहीं, आप लोगों की मेहनत की बात कर रहा हूँ। ये क्या है? ये हमारा जॉय की सैलरी डिटेल्स और कैश है। पहले क्यों नहीं बताया? इसमें भी 37.50। 3,337.50। एकदम सही सर। इसको भी नहीं छोड़े तुम? माँ कसम नहीं सर। यकीन कीजिए, तेरी 8 साल की मेहनत की तनख्वाह है। हाँ? इसे तुरंत बैंक में डिपॉजिट कर देना। तुम जा सकते हो। ये लो। ठीक है सर। ओके। बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तेरा डिग्री सर्टिफिकेट है ये? जेल में रह के भी डिग्री सर्टिफिकेट पाना बहुत बड़ी बात है ये। जीते रहो बेटे। सबको नमस्ते। 8 साल पहले तुम सबके साथ जुड़ के हम सबका अच्छा दोस्त बन के रहा ये जॉय, आज हम सबसे विदा ले रहा है हमेशा के लिए। लेकिन जॉय आप जैसा नहीं है। 8 साल में जॉय पैरोल पर नहीं गया, जॉय के लिए कोई विजिटर भी नहीं आया, तो अब ये यहाँ बैठकर और क्या करेगा, इसीलिए जा रहा है।
लेकिन आज जॉय के पास डिग्री है, हाथ में कैश है, सर ने कपड़े भी खरीद के दिए हैं। जॉय के बारे में दो बात बोलने के लिए उसके और हमारे प्यारे वार्डन सर को यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ। तुम लोगों से भी बड़े चोर ईमानदार बनके घूम रहे हैं इस समाज में। पेंशन के लिए कुछ महीने ही बाकी है, एक आम जेल सुपरिंटेंडेंट कर ही क्या सकता है। लेकिन जॉय के बारे में मैं दो शब्द बोलना चाहता हूँ इंग्लिश भाषा में। जॉय का मतलब है खुशी। ये लो। अच्छा, रिलीज हो गए तुम? जी सर। अच्छा तो फिर मिलते हैं। ओके सर। अरे सर जी, कभी मत मिलना, बोलिए इसको। ठीक है जॉय, बाय बाय। एक काम करो, जल्दी से सिगरेट दे दो। हाँ। लीजिए। इसे जलाऊं कैसे? अरे माचिस दे तो रहा हूं, लाइटर नहीं है मेरे पास, तुम इसे लेकर जा सकते हो। लो। मुझे एक बटुआ खरीदना है। वो लगे हैं, देख लो। कितने का है ये? पर्स, सिगरेट। हाँ, 50। अंदर कितने साल थे? 8 साल। 8 साल में इतने सारे पैसे मिले? क्यों, तुझे भी जाना है? ये पकड़। ये लीजिए चेंज। ठीक है। हो। ये दिल जो था मेरा अब हो गया तेरा, अब तेरा बनके दिल ये मेरा ना रहा। क्या गाना बनाते हैं भाई ये लोग आजकल। अच्छा भाई जरा बताओ, शक्ति जाना है? नहीं। अरे आपकी बात नहीं कर रहा भाई, क्या आप इस एरिया से नहीं है? नहीं, कालीकट से। अच्छा, तभी तो। सुनो भाई, शक्ति मतलब प्राइवेट बस डिपो, सरकारी की हालत बुरी है। कौन सा? वही गुड गुड करने वाला ना। मुझे KSRTC के डिपो उतार देना। हाँ बिल्कुल भाई। कहाँ जाना है बेटे? कालीकट जाना। कैलीकट जाना है? कैलीकट में कहाँ है तुम्हारा घर? मुक्कम। मुक्कम? अरे वो तो हमारे मोहितिन का गांव है। कौन मोहितिन? अल्लाह, तुम मोहितिन और कांचना को नहीं जानते? फिर क्यों जा रहे हो वहां पर? हेलो। तुम पृथ्वीराज को जानते हो क्या? ओहो यार, ये हटाओ कान से तुम। क्या तुम युगांडा में थे पहले? सिनेमा ज्यादा नहीं देखता क्या? तो क्या? नहीं, तुम जानते हो मोहितिन को? हाँ, मैं उसके बाप को भी जानता हूँ। क्या अंकल बेकार डिस्टर्ब कर रहे हो।
में उतरना है यहाँ। जल्दी करो जल्दी करो, चलो। अरे बीजू, मुझे मालूम नहीं था। अरे तुम तो बोला था अगले सप्ताह आओगे, हजार काम था यार, बीच में मैं तो भूल ही गया। अच्छा कोई नहीं मैं संभाल लूंगा। हाँ ओके ओके ठीक है ओके ओके। हाँ सुनो, एक मिनट होल्ड करो। मेरा नाम जॉय है। हाँ? जॉय एंड्रयूज। क्या बोला सर? वो एक बात बतानी थी, ये हमारे एंड्रयूज का बेटा है जॉय। तुम जाके वो ले आओ। हाँ अब 10 बज रहे हैं, 12 बजे तेरी लैंड फ्लाइट होगी ना, मैं गाड़ी भेजता हूँ। सर हाँ? ये घर? कौन सा घर? अरे ये घर तो मैंने खरीद लिया, अब ये मेरा घर है, कोई इतराज है क्या तुमको? नहीं नहीं बस यहाँ बात कर रहा था, गाड़ी भेजता हूँ। ठीक है कोई टेंशन मत लो। बहुत सालों से ये सूटकेस यहाँ पड़ा है, अरे भाई लेके जाओ इसको। पूरे खानदान की इज्जत डुबोने के लिए एक ही काफी है। ये मर्डर केस है, अब छुपाने से कुछ नहीं होगा, उस लड़के को बुलाइए। जॉय या नहीं बैंगलोर में है। जॉय किसी को नहीं मार सकता है सर, हमारे यकीन कीजिए। एंड्रयू सर को आने दीजिए, वो जरूर किसी मिनिस्टर से बात करवाएंगे, तब तक थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा। एंड्रयू सर ने खुद भेजा है यहाँ। उसके साथ जो भी थे सब पकड़े गए, अब इसे अरेस्ट करना बाकी है। हेलो डैडी। चुपचाप घर से निकलकर पुलिस के साथ जाओ, मैं कभी भी तेरी गलती को माफ नहीं करूंगा। इस कालीकट में ही नहीं पूरा केरला इज्जत करता है एंड्रयू सर की, हम उनके घर में ये सीन करना नहीं चाहते। एंड्रयू सर खुद कॉल करके बोले थे अरेस्ट करने के लिए। डैडी ऐसे नहीं बोल सकते, सच में जॉय यहाँ नहीं है। नहीं इधर ही हूँ मैं। वहाँ पे टिक गए। अच्छा टाइम कितना हुआ? 11 बज गए।
अरे यार ये नए सर के आने के बाद तो अरे पकड़ो भाई। मैं यहाँ खड़े खड़े सो सकता हूँ। हाँ ये भी पकड़ो। ओके क्या क्या करना पड़ रहा है यार ऐसे, ये अरे सुन जरा वो देना। अच्छा ऐसे एक देना एक सर दे। ये ठीक है ना सर लेवल ठीक है क्या? लेवल करेक्ट नहीं है तो क्या कुछ बात तो है क्या? ऐ सुनो इसमें थोड़ा और फूल लगाने का था। हाँ सर क्यों? मुझे भी लगता है फूल कम हो गए। सर इस साइड में फूल चाहिए थे ना। हाँ वहीं पर। हाँ ये डाला। किसी मूवी स्टार जैसा लोग लग रहा है ना मेरा। क्यों सही बोला ना? क्या बोलता है मम्मू? अरे वो कौन सा खान है यार वो? अमजद अमजद खान सर। अमजद खान है। बहुत लोगों ने बोला मेरे को अगली बार केरला आएगा ना तो मिलूंगा उससे। लगा दे सारे पोस्टर। इसको भी देना चिपका देता हूँ। सर वैसे एक बात कहूँ पोस्टर शानदार बने आपके। ए लाइन से चिपकाना ये अपने को हैंडसम लगने का है क्या? हैंडसम कौन से एंगल से लगता है ये? ए तू कहाँ जा रहा है रुक। नाम क्या तेरा? जॉय। बड़ा कुछ तो गड़बड़ है क्या कर रहा है इस वक्त यहाँ पे? सर मैं बस का इंतजार कर रहा था। बस का? सूटकेस में क्या है तेरे? बस ड्रेस है सर। अच्छा ड्रेस है। खोले से। और कुछ नहीं है सर। मैं खोलना। उसमें गांजा वांजा तो नहीं छुपा है? नहीं सर। कैश है? कहां से चोरी किया? चोरी किया हुआ नहीं है सर। तो फिर इतना कैश कहां से आया? सर मेरी बहन की शादी होने वाली है तो मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी इसलिए अपने दोस्त से मिलने आया था कुछ पैसे उधार लेने के लिए। थोड़ी देर पहले ही मिला उससे मैं। तेरे दोस्त का घर किधर है? एलपी स्कूल के पास। और तेरा घर? मेरा घर एर्नाकुलम में है। एर्नाकुलम। शादी कब की है? शादी कल ही है सर। गाड़ी में बैठ। सर गाड़ी में बैठ। कल तेरी बहन की शादी होने वाली है और तू यहाँ बस का इंतजार कर रहा है। कमाल का है रे तू। ये ले। ये ट्रेन कब जाती है एर्नाकुलम के लिए? अब आज के लिए तो कोई ट्रेन नहीं है सर। अरे बस स्टॉप पे रुकना जरा। ठीक है सर। अरे क्या नाम बताया तूने? मेरा नाम है जॉय। तेरा घर किधर है? सर वो कलूर स्टेडियम के पास। हाँ करूर अच्छा है। जानता है मेरी बीवी वहीं की रहने वाली है। एक बार ट्रांसफर हो जाए ना। अरे सर वो ट्रांसफर के बाद हमारा भी ध्यान रखना। सर को तो वहाँ पल्ला रिवोत्तम में भी मिलेगा इससे भी बड़ा पोस्ट। करेक्ट। वही लीडरशिप क्वालिटी है। चल भाई बस स्टैंड पे ले चलना जरा। ए वो जा रही एर्नाकुलम वाली बस। जी सर। रुक जरा आगे ले। ठीक है सर। ए रुक रुक रुक। एक मिनट। अरे ये पुलिस वाला यहाँ क्यों रोक रहा है? आज ट्रिप की तो ऐसी की तैसी। हाँ जी सर। सर भाग गया। क्यों भाग रहा है वो? पता नहीं सर। अरे सुनो ओ बेटा चला जा। अरे ये तो पंगा ही हो गया। सुनो भाई। हाँ अंदर बैठा लो इसे। जी ठीक है। कल इसकी बहन की शादी हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। चल चढ़ जा। ठीक है सर तो फिर हम निकलते हैं सर। ओके सीट देख के बैठ जाओ भाई। अरे कोई सीट दो से यार। क्या मुसीबत है ये? अरे आओ इधर बैठो ना। आराम से जाना ठीक है। चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो। ओके सर। अच्छी लग रही है सर। इसका लेवल ठीक लग रहा है ना? ये बढ़िया है। एर्नाकुलम वाले भी जान जाएंगे। चलिए एर्नाकुलम 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 सब उतरिए उतरिए लास्ट स्टॉप आ गया। उतरिए चलिए उतरिए उतरिए।
हेलो पहुंच गए, चलो उतरो, कितना सो रहे हो यार। क्या हुआ भाई? मेरा पैसा चोरी हो गया। कितने पैसे थे? 36,000। कहाँ रखे थे? सूटकेस में थे। ये तो बैक सीट के नीचे मिला, लेकिन पैसे नहीं थे इसमें। अब गाड़ी में थोड़ा देख के सोना चाहिए ना, जो भी हो वो तो निकल गया। अब तो तुम पैसा भूल ही जाओ, आजकल के जमाने में कैसे लापरवाह हो सकते हो। जी लगी, थोड़ा जाने दो भाई, बहुत जरूरी है। अबे साले यहाँ क्या कर रहे हैं बे? चलो निकलो यहाँ से। पता नहीं कहाँ से सुबह सुबह आ जाते हैं, दिमाग खराब कर। आ गया से आ जाते हैं ना। और अंदर। अबे ओ भैया, अबे ओ भैया निकलो यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह दिमाग खराब करने के लिए।
अबे किसका ब्लाउज पहन लिया ये? दोस्त तुम्हारे रेट में यहाँ रूम बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो रूम है वो पहले से ही बुक्ड है। ठीक। अरे भाई, हाँ, अगर तुम्हें वो सस्ते वाला रूम चाहिए तो वो बस स्टैंड के पास जाके पूछो, वहां पे कई गेस्ट लॉजेस हैं। ये थर्ड क्लास लॉज नहीं है, आ जाओ बेटा। यहाँ पूरे के पूरे बंगाली लोग ही हैं। तुम्हारी कहानी सुन के मैंने एक रूम सेटअप किया है, आ जाओ जल्दी आओ। आओ, आ जाओ। ये कमरा खोले हुए बहुत समय हो गया, थोड़ा थोड़ा पोछा मार लेना, पूरा धूल से भरा है, हो सके तो एडजस्ट कर लो। चलेगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ। पैसा कम भी दोगे तो चलेगा, लेकिन डेली कैश चाहिए। कैश? हाँ, ठीक है। और एक बात, पानी कुएं से लेना पड़ेगा, सुबह 7 बजे पानी आएगा। टॉयलेट में एक बार जाना काफी है, 9 बजे जरूर लाइट ऑफ कर देना। तो फिर गुड नाइट। इसका सुनामी मरीन ड्राइव के नए फैशन जादूगरी का जवाब। बॉम्बे फैशन, लूलू फैशन के लिए टक्कर।
अंदर पता करता। पैंट, टी-शर्ट, शर्ट, बच्चे और लेडीज के लिए अच्छे अच्छे कलेक्शन। बॉम्बे फैशन, लो प्राइस का सुना। कैसी आवाज़ है इसकी? मरीन ड्राइव के नए फैशन जादुई जवाब। बॉम्बे फैशन, यूल फैशन के लिए। ये फिर से स्क्रैच हो गया। आइए सर, टी शर्ट, पैंट, जींस, कुर्ता वगैरह कुछ लेना है क्या? नहीं, सर मैं लेटेस्ट मॉडल चीज दिखाता हूँ आपको। आइए ये देखिए सर, टी शर्ट ये देखिए, आपके ऊपर कितना अच्छा लग रहा है। मुझे ये नहीं चाहिए। अगर ये अच्छा नहीं है तो कोई लेडीज आइटम दिखाओ क्या? नहीं भाई, मुझे बस ये पूछना था कि नौकरी मिल सकती है क्या? ये लो, सुबह सुबह दिमाग खराब करने को आ गया है। देखो बेटा, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, तुम यहाँ से निकलो। देखो अगर ये ठीक नहीं हुआ तो मेरी नौकरी बोर्ड लगा हुआ है, मैं उसे देख कर आया हूँ। प्लीज भाई, वो नौकरी मुझे दे दो। अच्छा, वो अभी तक लगा हुआ है क्या? लो प्राइस का सुनामी। अरे सुबह सुबह कहाँ से आ जाते हो यार, नौकरी चाहिए बोलता। अपने रोना किसको पता, यही देख के दो दिन पहले मैंने भी ज्वाइन किया था। अब यहाँ और किसी की जरूरत नहीं है भाई। देखो भाई, अब तुम यहाँ से निकल जाओ। अगर मैनेजर ने देख लिया ना, आने से पहले चले जाओ यहाँ से। जाओ मिल गया बेटा, मिल गया। सुनो जी, इसे जल्दी से ऑन करके प्ले करके दिखाओ। जी अभी दिखाता हूँ। बॉम्बे फैशंस, लो प्राइस का सुनामी, मरीन ड्राइव के नए फैशन जादूगरी का जवाब। बॉम्बे फैशंस सब फैशंस को देने आ गया है टक्कर। सर, कस्टमर हो ना? नहीं सर, मुझे तो बस यहाँ पर नौकरी चाहिए। अरे यहाँ कोई नौकरी नहीं है, तुम जा सकते हो। कोई भी नौकरी चलेगी सर, कोई भी नौकरी दे दीजिए। बोल रहा है देखा, ये आया तो लाइट चली गई। सर इसको यहाँ से निकालो, मनहूस है सर। समझ में नहीं आता क्या? निकल यहाँ से। सर मैंने डिग्री पूरी कर ली है। देखो ना सर, कपड़े की दुकान में डिग्री की क्या जरूरत है, क्यों ना सर? सर मैं कोई भी नौकरी कर लूंगा, प्लीज कसम से। ये देखिए बिजली भी आ गई सर। नहीं बिजली जाएगी तो वापस आएगी ना, इसमें नई बात क्या है सर? तुम्हारे पास डिग्री भी है तो तुम ऐसे क्यों घूम रहे हो बेटा? तुम एक काम करो, पहले एक अच्छी पैंट और शर्ट खरीद के पहनो, उसके बाद GCD कॉम्प्लेक्स की शॉप नंबर 47 में जाओ। वहाँ जाके बोलो सुहेल सेठ ने यहाँ मुझे भेजा है। बस Hi, this is Varun Blake. I am the investigation officer. ये इंग्लिश मेरे बस की बात नहीं है, मुझे तो सिंपल ही चलेगा। Wow, psychological movie. क्या है यार, बीच में आकर मेरा डब मैश खराब कर दिया। पता नहीं कहां से आ जाते हैं उठकर, मेरा मूड खराब कर दिया। देखो भाई, मुझे शॉप नंबर 47 में आने के लिए कहा था। कौन सी शॉप, किसने बोला? वो उस दुकान वाले सर ने। कौन सी दुकान? बॉम्बे फैशंस। बॉम्बे फैशंस, वो लो प्राइस वहां के सुहेल सेठ ने भेजा है। आयला क्या बात कर रहे हो? उन्हीं सर ने कहा है कि मैं शॉप पर जाऊं। क्या यार, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मैंने सोचा वो खुद ही आ रहे हैं। हाँ वैसे उन्होंने बोला था तुम आओगे। मैं जॉय एंड्रयूज। जॉय एंड्रयूज, तुम्हारा नाम तो बहुत ही जबरदस्त है भाई। मायसेल्फ बासी उमर। बासी उमर, बासी बासी उमर भाई। तो आज ही ज्वाइन कर रहे हो? आओ चलो एक सेल्फी लेते हैं। Oh,
भी ने तो अक्का लाइफ बदल दी है। पिक्स को इतने सारे लाइक्स, क्या बात है। वैसे भाई लड़कियां मुझ पर जान छिड़कती हैं। ये लो आपको चार्जर चाहिए था ना। हाँ, थैंक्स भैया। भैया ये फोन देखना। रिचार्ज करना है। रिचार्ज करने के लिए फोन खोलना भी तो चाहिए ना। अच्छा ये बताओ कि इसमें तुम्हें प्रॉब्लम क्या आ रही है। फोन चेक कर लो ना, प्रेस करने के 2 मिनट बाद ओपन हो रहा है, कॉल नहीं कर पा रही हूँ, मैसेज भी टाइप नहीं हो रहा है, पूरा खराब हो गया है। वाइब्रेट करता है? तब तो सिर्फ 2 दिन लगेंगे, यू नो वाइब्रेटर का प्रॉब्लम है। ठीक है भैया, 2 दिन बाद आऊंगी। ओके, इफ यू गिव नंबर आई विल कॉल। कोई नहीं भैया, मैं खुद आ जाऊंगी। आईपॉड चार्ज हो गया। ठीक हो गया है, कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना। बाय, दूसरा अगले हफ्ते मिलेगा। अबे ओ, फोन रिपेयर कराने आई लड़कियों के फोन में से फोटो निकाल के इंटरनेट पे डालता है। यस, क्या हुआ भाई, ये लोग कौन हैं? भैया इसी कमीने ने मेरा फोन रखा था। ये तो वही वाइब्रेटर है। तू हरामी, इधर आ, निकल। तेरा फोन पर लड़कियों की फोटो निकालता है तू? अरे भाई वो तो गलती से अपलोड हुआ था। अरे हटो, अरे छोड़ भाई। क्या हुआ भाई, ये सब क्या है? कौन है तू? मैं इस दुकान का मालिक हूँ। हाँ हाँ, अच्छा बुड्ढे, अभी मैं तेरी बीमारी सारी ठीक करता हूँ। क्या बीमारी है? अभी बताता हूँ, नाम बताओ तेरा। अरे मुझे कोई बीमारी नहीं है। सुहेल सेठ के लिए तोहफा लाया। हाँ, सुहेल सेठ।
पकड़ो साले को, अपना ध्यान रखना। उधर जा। अरे देख के चलो, मेरा हेलमेट तो दे दो यार, साले अंधा है क्या, कहाँ देख के चल रहा है तू? जल्दी आप बाइक पर बैठ, निकलते हैं यहां से। जल्दी कर, जल्दी कर, निकल निकल निकल। दोबारा दिखाना तो जान से मार दूंगा तेरे को। सुनो जॉय, तुम इतनी टेंशन मत लो यार। जितना मैंने सुना, इससे ज्यादा प्रॉब्लम और कुछ नहीं हो सकती। सुनो, तू घर गया था? हम लोग बहुत याद करते हैं तुझे। एंड्रू सर तब एक ऐसा डिसीजन लेंगे, ये किसी ने सोचा ही नहीं था। सिर्फ सबसे अमीर आदमी का ही बेटा जेल गया, बाकी सब बाहर खुले में घूम रहे हैं। लेकिन एक बड़ी न्यूज बन गई है। लेकिन जिया बहुत मुसीबत में, तेरे लिए उसने सर से बहुत बार बात की, लेकिन सर उसको भी अपने साथ ले गए। सॉरी यार, तुझे बुरा लग रहा है ना? 8 साल जेल में बिताने के बाद बुरा लगना ही बंद हो गया है। अच्छा, तो अभी तू रह कर आया? KSRTC स्टैंड के पास, वो डेली रेंट वाला रूम। कहाँ पर? जहाँ वो बंगाली भाई लोग रहते हैं। एक काम कर, अभी के लिए तू मेरे साथ चल, मेरे फ्लैट में अभी एक और बंदे के लिए जगह बची है। चलें। यार जॉय, मानना पड़ेगा तुमको, तुम कैसे रहते थे वहां पर? वहां कोई भी कैसे रह सकता है यार, बताओ जरा। राजकुमार जैसी जिंदगी थी तेरी, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा मुझे, कसम से। याद है तुझे तेरे बंगले के पीछे एक टाइम पर कितने सारे बियर के क्रेट पड़े रहते थे? That's life. बाप है तेरा अंदर, बाप। क्या? तेरा बाप अंदर होगा, मैं पहले ही बोल रहा था। ओ, तू एक काम कर, अभी जा और इसे पीछे से लेकर आ। अरे वो देख, बाबूजी हम ही देख रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं। भाई तो डर मत, ये मेरा ही बाप है। पता नहीं कैसे मिला है ये माँ को, जरूर सर्कस में ही मिला होगा ये। अबे तुमको कितनी बार समझाया कि ये सब लेकर यहाँ बताया करो, बहुत गुस्से में है साहब जी, तुमको देखेंगे तो नाराज हो जाएंगे, निकलो जल्दी यहाँ से। ऐसे डरा के रखोगे तो आदमी पिएगा कैसे, बताओ जरा। खुद को बाप बोलते हैं ये, पैदा करे हुए 30 साल हो गए और आज तक एक भी क्वार्टर का पैसा नहीं दिया इन्होंने, पता है तुम्हें? बाबूजी आपके पास ओपनर होगा? हाँ अंदर होगा, तुम आ जाओ अंदर। याद है उस दिन कितनी ज्यादा लड़ाई हुई थी? मैं भूल नहीं पाऊंगा कभी। उस दिन पहली बार एंड्रू सर का असली चेहरा देखा था हमने। अगर तुम नहीं होते तो एंड्रू सर को सड़क पे ही मार देता वो उस दिन। लेकिन हुआ क्या, उसने तुम्हें थैंक्स बोला? नहीं ना। अरे वो छोड़ो, घर गए तो कान भर के सुनाया। ऐसे ही है मेरे डैड। जॉय, रोड में हीरोइज्म दिखाते हुए किसी को कुछ हुआ तो तुम पकड़े जाते। कोई अगर बिना बात के तंग करे तो मेरे से चुप नहीं बैठा जाता। तुम अपने आप को हीरो समझ रहे थे? हाँ, साफ दिखाई दे रहा था। कुछ नहीं दिखता तुमको, बाकी लोगों को सबक सिखाने वाले तुम कौन हो? अगर ये उस समय नहीं होता तो सारा सबक खुद ही सीख लेता। अबे पहले अपना पेपर क्लियर करो, इस महीने का क्रेडिट कार्ड बिल कितना है
75,000। वो मेरे दो फ्रेंड्स को थोड़ी मदद चाहिए। फ्रेंड्स को हेल्प करने के लिए तुम यहाँ कुछ कमा के रखे हो क्या? अबे खुद के पैसे कमाने के बाद फ्रेंड्स को हेल्प करना, यहाँ सब कुछ जो है वो मेरी कमाई का है। नहीं डरी वो मैं नो तुम और तुम्हारे चिंदियों की हरकतें मैं सब जानता हूँ, याद रखना तुम लोग। बहुत हो गया, ये ले घर पहुंच गए हम। ये है मेरा लग्जरी फ्लैट। एंड्रू सर अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अमरीश पुरी थे वो हलचल मूवी में, याद है तुझे? चल अब। मतलब आज भी तैरना ही पड़ेगा। ये देखो यहाँ क्या पड़ा है, आज का अखबार। अब ये सूखने के बाद ही अगले हफ्ते पड़ा जाएगा, इसको भी निचोड़ना ही पड़ेगा। अरे डरो मत, आ जाओ। अपने फ्लैट के अंदर आने के लिए तैरना सीखना पड़ेगा अब। अरे ये क्या हो रहा है, एक महीने 2500 रुपए मेंटेनेंस के लिए किस लिए देता हूँ मैं? ये ठीक करने के लिए बोला हुआ है, आज 2000 दिन हो गए। इससे अच्छा तो किसी वाटर पार्क में रह जाता मैं, पता नहीं क्या है। इससे अच्छा तो वो लॉज ही था जहाँ मैं रह रहा था। महीने महीने पैसे जोड़ते हैं तभी हम फ्लैट ले पाते हैं, उसके बाद हर महीने पॉकेट से पैसे निकाल के मेंटेनेंस के नाम पे किराया देते हैं हम। अगर ऐसे में कोई मिलना है तो क्या इज्जत रह जाती है यार। इन्होंने बताया भी तो बस घर के पैसे, ये नहीं कि बोट भी लेनी पड़ेगी। क्या ऐसा एक और होगा? क्या ऐसा ही फ्लैट? अरे नहीं मॉप। अरे यार मैं कह रहा हूँ ना, ये सब तो रोज का ही है, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। नहीं देख, अब हम दोनों यहाँ पर साथ रहने वाले हैं ना, जैसे मेरी जॉब लगेगी तो मेंटेनेंस का पैसा मैं दे दूंगा। मैं झाड़ू लेकर आता हूँ। ये तो भूल ही गया मैं। अरे जॉय जरा इधर आना तो। क्या हुआ? अगर ये सब खराब हुआ तो हम मेंटेनेंस और किराया कुछ भी नहीं दे पाएंगे, पता है? ब्रश ऑफ कॉफी, कोची का एक नया ट्रेंड है, एक कॉफी कल्चर, उसका नया कस्टमर हूं मैं। ये वही सामान है, इस पाउडर को मिक्स करके कॉफी बनाने वाले एक कॉफी के 600 से 700 रुपए देते हैं और कोची के लोग इस कॉफी को बिंदास पीते हैं। अरे यार कक्कानद में मेरा फ्रेंड है जितिन जिथू, वो भी कोची में एक जॉब कंसल्टेंसी चलाता है, बहुत ही सही आदमी है वो। कल सुबह उसके पास जाके तुम्हारे सर्टिफिकेट्स देके लॉक कर देंगे। अब तुम सो जा, ओके? गुड नाइट। ओके। जॉय एक बार आके जरा स्विच दबा दो। अम्मा कल भीगने के बाद ये बहुत भारी हो गया है, पता है तुम्हें? एक बॉक्स मुझे दे दे। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे, अपन इसे संभाल लेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी लगता है लिफ्ट खराब है। अरे यार संभल कर, घुस तो जाऊंगा लेकिन यहां से निकलो तो ना। इसे बंद कर दे। ओके। जरूरत से ज्यादा सर्टिफिकेट है लेकिन बस नौकरी नहीं है। बारिश में भीगते हो? नहीं। और धूप? नहीं। वही तो दिक्कत है, यहाँ बारिश और धूप में काम करने के लिए हद से ज्यादा बंगाली हैं। उनके पास सर्टिफिकेट तो नहीं है लेकिन काम बहुत है। देखिए मैं कोई भी नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ के सारे बंगाली लोगों को नौकरी कौन देता है पता है? हम मलयाली लोग। लेकिन पूरी दुनिया में मलयालियों को कौन ठोकता, वो भी हम मलयाली लोग है ना। अगर ऐसी बात है तो मैं इस मलयाली को काम दिलाता हूँ। वियना कॉफी, यही है वो कैफे। आओ चंद्रन भैया। हाँ रॉबिन बेटा। भैया मैं तो आपका ही वेट कर रहा था। क्या हुआ, आज बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा है? मेरा वीजा लग गया, अगले हफ्ते जाऊंगा। अरे अब तो मैं फंस जाऊंगा, सीजन तो वैसे ही आने वाला है, अब डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना पड़ेगा मुझे। तो भैया मैं रुक जाता हूँ। अरे तुम चिंता मत करो, तुम चले जाओ, ऑल द बेस्ट। ओके। मैंने बताया था ना गोपी कृष्णन बहुत अच्छा लड़का है। चंद्रन क्या वो काम मैं कर सकता हूँ? इतनी सारी डिग्री लेने के बाद तुम यहाँ पर काम करोगे? अरे अभी तो रजिस्टर किया, थोड़े दिन इंतजार तो करो। नहीं तब तक के लिए कम से कम एक काम तो होगा ना। ठीक है मेरे साथ चलो, ये कॉफी शॉप मेरे फ्रेंड का है, नाम है अपर्णा। कॉफी शॉप? फिर तो काफी पैसा बना रही होगी। कॉफी शॉप बोलने से थोड़ी पैसा आएगा, यहाँ पर लोग कॉफी खरीदेंगे तो ही पैसा आएगा ना, बड़ा मुनाफा है यहाँ पर पता है, और तेरे लिए ये बड़ी इंस्पिरेशन होगी। वो अकेले ये सब संभालती है? बहुत ही अच्छी लड़की है ये, एक बार पास जाके बात करोगे तो पता लगेगा।
मैं अभी आ रही हूँ, कैरी ऑन। तुम थे कहाँ? वो लड़का गया गोपी कृष्णन। मैं अभी उससे मिला मैडम। अभी तो सीजन भी है, अब किसी और को ढूंढना पड़ेगा क्या? मैडम ये जॉय है, मेरा खास दोस्त, इसे नौकरी चाहिए, अगर यहाँ कुछ मिल जाए तो। डिग्रीज भी हैं, वो भी बीसीए की मैडम। अच्छा, क्या बात है। अरे ये तो स्मार्ट भी है, मतलब सेल्स भी बढ़ेगा। दो डोसा दे दो भैया। अभी देता हूँ, उदारी में है फिर भी गर्मा गर्म चाहिए दोनों को। काम तो करना ही होगा ना। देख, आपका एक डोसा ये लीजिए भैया। थोड़ा और चटनी। एक डोसा ही तो है, कितना चटनी खाएगा? बस बस बस, दोबारा मत मांगना, और नहीं मिलेगा। भैया एक स्ट्रॉन्ग चाय देना। तुमको बोलने की जरूरत नहीं है, तुमको थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग दूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम पैसे नहीं देते हो ना, इसलिए। तुम ही नहीं, यहाँ और भी लोग हैं, आके खा के चले जाते हैं। अरे पैसे होते तो फौरन दे देता। तेरे पास कब होता है पैसा? एक बात है, अपर्णा को तुम बहुत ज्यादा पसंद आए। तुम इतनी देर कहाँ थे? मैं बंगाल में था। बंगाल में? हाँ। वहाँ क्या कर रहे थे? वहाँ से सब यहाँ काम के लिए आ रहे थे, तो मैंने सोचा यहाँ काम मिल जाएगा। अबे तेरे जैसे लोग यहाँ काम नहीं करने की वजह से ही बंगाली लोग यहाँ के काम कर रहे हैं। वो सब छोड़ो, अट्टापाड़ी में कहाँ है तेरा गांव? कौन सा गांव? पूरा अट्टापाड़ी ही गांव है। वो नहीं, तुम कहाँ रहते हो वहाँ की बात कर रहा हूँ। मैं तो सिटी में। सुनो, अट्टापाड़ी सिटी में बोलता है। एयरपोर्ट के बगल में होगा ना वो। अच्छा। अरे तुम खाना खाओ ना। अट्टापाड़ी के पायलट को मेरी तरफ से आए बोलना। हाँ क्यों नहीं। ओए डोसे थोड़ा जल्दी पक ले। हेलो, हाँ बोलिए। कल कितने बजे कहाँ पर? हाँ ओके, जितने मैं खाना खा रहा हूँ, क्या मैं 10 मिनट बाद कॉल कर सकता हूँ? ओके। कौन था? जितिन था। कल एक इंटरव्यू है, डेटा एंट्री जॉब है कोई। हाँ क्या बात है यार, एक और डाल दो ना। वेट करो। अगर तुमको ये जॉब मिल गई ना तो अपर्णा बहुत नाराज हो जाएगी। तुम्हें स्मार्ट बोल रही थी ना। पहले जॉब तो मिलने दे यार। मिल जाएगी यार, तू देखियो कल के इंटरव्यू में तू पास जरूर होगा, मैं कह रहा हूँ। कितना हुआ? दो प्लेट डोसा, दो आमलेट, 100 रुपया। 100 रुपया। ये लो। अरे कभी डिस्काउंट भी दे दो यार। सब कुछ महंगा हो गया, डिस्काउंट किस बात का? सुनो कल तुम इंटरव्यू खत्म होने के बाद सीधा कॉफी शॉप में आ जाना, मैं अपर्णा से बात कर लूंगा। ठीक है। सब्जी अभी देता हूँ। ये भी मेरे हिसाब में लिख देना। सब्जी आप खुद ले लेना, सारे पैसे लेके भाग जाते हैं। रुको। प्लीज ओपन द डोर, तुम लोगों के हाथ नहीं आऊंगा। उधर चलो। मुझे माफ कर दो भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज, छोड़ दो। क्या कर रहे हो? ओ, बासी को पकड़ लो। अयो मुझे छोड़ दो भाई। जॉय। अच्छा तुम हो, अजीब मनुष्य हो तुम, जिस दिन से दुकान में आए हो ना उस दिन से भाग रहा हूँ, प्लीज थोड़ा रेस्ट लेने दो। अब ये क्या बात हुई? अब मैंने क्या किया? तुमने किसी लड़की का फोटो शेयर कर दिया, उसमें मेरी क्या गलती? मेरे साथ तो सब कुछ गलत हो रहा है भाई। उस दिन वो लड़की गुंडों को लेकर हमारी शॉप पर आई थी ना, उससे शादी करने को बोल रहे हैं, उससे अच्छा तो यही है कि मैं खुद ही मर जाऊं। जिस दिन से दिखी है वो लड़की उस दिन से भाग रहा हूं। अरे सुन भी रहे हो, ध्यान कहाँ है?
उठो उठो जॉय, सुबह हो गई है। क्या हुआ? सुनो, उन लड़कियों को जल्दी से उठाकर भेज दो, डैडी आने वाले हैं। पहले सुबह तो हो जाने दो। अरे सुबह तो कब की हो गई? अगर डैडी को कोई शक हुआ तो? ओफो जिया, क्या शक है? डैडी के घर से जाते ही तुम लड़कियों के साथ पार्टीज करते हो। अच्छा ठीक है, मुझे सोने दो, जब देखो जगा देती है। अच्छा, जिस रूम में मेघा और जैस्मिन है वहाँ कुछ महक रहा है, गांजा वांजा तो नहीं है ना? वो मेघा इदुकी से है, वहाँ के लोगों की ऐसी ही महक होती है। जो है तुम जल्दी उठो और सबको उनके घर भेज दो, जल्दी उठो यार। कम ऑन जिया, थोड़ी देर बाद सबको उठा दूंगा, मुझे सोने दो यार। मैंने जो बोलना था बोल दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। जॉय, मैं तुम्हारा बाथरूम यूज कर सकती हूँ? मुझे तुम्हारा बाथरूम यूज करना है, वहां का शावर काम नहीं कर रहा है। तुम्हें जो करना है करो। उठो उठो मेघा, मेघा उठो, we gotta go, उठो ना। तू जाना, अभी बताती हूँ। जोए, आप थे सर? तुमसे मिले हुए कितना समय हो गया? वो सर, मैं तुम्हारे बारे में हम अक्सर बातें करते हैं। अच्छा, आजकल तुम कर क्या रहे हो? सर, मैं एक जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ। कौन सी जॉब? वो मैंने जेल में एक डिग्री कोर्स कंप्लीट कर लिया था, BCA। गुड, वेरी गुड, जीते रहो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन मुझे लगता है तुम पर बुरी संगति का असर पड़ा है। सब ठीक हो जाएगा, गलती तो हर इंसान करता है, उसे सुधारने में ही जिंदगी है। जिंदगी को दोबारा पाने में एक अलग सा ही सुख है बेटा। बड़ी बड़ी फिलॉसफी की बातें कोई भी बोल सकता है, लेकिन तुम्हारी तरह उसको फेस करते वक्त उसका हार्शनेस का पता चलेगा। फिर मिलेंगे बेटा। हाँ, एक बात और बेटा, अगले हफ्ते में रिटायर हो रहा हूँ। कमिंग संडे लॉ कॉलेज में ओल्ड स्टूडेंट्स का एक गेट टुगेदर प्लान कर रहे हैं, तुमको जरूर आना है। ओके सर, मैं आऊंगा। वंस अगेन ऑल द बेस्ट, सी यू सून, बाय बेटा। थैंक यू सर। वाइतली, त्रिपुनीतुरम और पालरिवतम, ये तीनों एरियाज जाके देखने पड़ेंगे। चंद्रन, तुम कौन से एरियाज देखते हो? इडपल्ली, तमन्नम, पलरीवोत्तम, फोर्ट कोची और पेरी। पेरी? मेरा मतलब फेरी। वो एरियाज भी सारे जॉय देख लेगा। मैडम, मैंने आपको इससे इसलिए थोड़ी मिलवाया कि आप मेरा काम इसे दे सको। ऐसा मत सोचो, उस एरियाज में ज्यादा यंगस्टर्स आते हैं, ऐसे में थोड़ा प्रेजेंटेबल और स्मार्ट बंदा होगा तो अच्छा होगा। नहीं, चंद्रन को एतराज है तो? मुझे तो बिल्कुल एतराज है। थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी ही। चंद्रन, जाके एरिया मैप और डिटेल्स लेके आओ। मैप? मैप? If you are into money making, this is a very good business. ये white collar job के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहे तो ऐसे एक दो कॉफी शॉप अकेले ही रन कर सकते हैं। मैं जाके राजीव सर से भी बात कर सकती हूँ। राजीव सर इज आर होल सेल डिस्ट्रीब्यूटर, जेम ऑफ अ गाय, बहुत हेल्पफुल है, हम सब प्लान कर लेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अभी आपके बारे में ही बात कर रहे थे। जॉय, ये राजीव सर है। गुड मॉर्निंग सर। अपर्णा ने बताया था तुम्हारे बारे में, तुम्हारा नाम जॉय है तो? अरे राजीव सर। चंद्रन, दत्री। हाँ, इधर आना सर। वो वाइटेला क्लब में मैं आज शाम को डिलीवर कर दूंगा, और त्रिपुणिथुरा में आज सुबह की मैंने डिलीवरी, मरद में दोपहर को। सर, मैं तमनाम के लिए बस अभी निकलने वाला हूँ सर। देखो, ये बिजनेस फैलाने का वक्त है चंद्रन, हमें जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा ना। आप बस देखते रहिए सर। हाँ,
अच्छा चंद्रन, यस सर, जॉय को मैप समझा देना जरा। ठीक है जॉय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अपर्णा आओ, तुमसे एक बात करनी है। जॉय देखा सब ठीक हो गया, बढ़िया है ना। ये देखो हम दोनों शुरू करेंगे यहाँ से। जॉय, ये फ्रेशली बेक्ड है, एक खा के देखो तो। थैंक्स, थोड़ी देर बाद खाऊंगा, पहले मुझे वो दे दो। ये लो, नहीं तो ये भी खा लूंगी मैं। कैसा है ये? बढ़िया, बहुत टेस्टी है। कल तुम्हारा इंटरव्यू है ना? कल है। तो फिर कुछ प्रिपेयर किया तुमने? टेस्ट तो हो गया है, ये एचआर इंटरव्यू है। तो क्या प्रिपेयर नहीं करना है क्या? नहीं, शॉप बंद होने के बाद। हाँ, शॉप तो मैं बंद कर लूंगी आज, तुम जल्दी घर जाओ। जाओ, अब कुछ काम बचा ही नहीं है। जॉय एक मिनट रुको, ये लो नया स्टॉक है, इसे वारकला के कॉफी शॉप में पहुँचा देना। इंटरव्यू के बाद दे सकते हो। ओके। तो फिर मिलते हैं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इंटरव्यू अच्छे से देके आना। ओके। Excuse me, sir. Yes. मैं यहाँ हूँ, यहाँ। Sir, may I? Joy Andrews हो तुम? जी सर। Be seated. Thank you, sir. क्या हुआ तुम्हें? यहाँ एक फ्रिज हुआ करता था, वो खराब हो गया। तुमको चाहिए एक? नहीं सर। तो और कुछ? चाय, कॉफी? नहीं सर, कुछ नहीं चाहिए। ओके देन, लेट्स कम टू द मैटर। तुम्हारे सारे टेस्ट रिजल्ट्स, इट वाज क्वाइट इम्प्रेसिव। यू आर इन आवर टॉप 10 लिस्ट। थैंक यू सर। ये सुन के ज्यादा खुश मत हो, टोटल सिर्फ 20 एप्लीकेंट्स ही थे, बट आई लाइक योर फ्रैंकनेस। यूजुअली वो जो फॉर्म में डू यू हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स क्वेश्चन में कोई यस टिक नहीं करता, वो तो बाद में ज्वाइनिंग के बाद, टीम इंक्वायरी के बाद कहीं जाकर हमें सच्चाई का पता चल पाता है। तुम्हारे फादर क्या करते हैं? फादर बिजनेस करते हैं सर। और मदर? माँ जब मैं 2 साल का था गुजर गई थी। ओह आई एम सॉरी। तुमने ग्रेजुएशन BCA में किया है ना? यस सर। कौन से कॉलेज से? मैंने डिस्टेंट कोर्स किया था, जेल में पास हुआ था। तो वो तुम्हारे क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में बात करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुमको? इंटरेस्टिंग। एनीवे आई लाइक योर एटीट्यूड जॉय, और यहाँ हमें तुम्हारे फ्लैशबैक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम यहाँ कैसे हो हम बस वही देखते हैं। दिस इज जस्ट एन HR इंटरव्यू, उसमें तुम पास हो गए। थैंक्स अ लॉट सर।
और मेन इंटरव्यू में पास हो गया नहीं, ये हायर अथॉरिटीज डिसाइड करेंगे। वो कब होगा सर? जल्दी ही होगा, आई विल इन्फॉर्म यू। एनीवे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आज यहाँ एक बहुत ही शॉकिंग घटना हुई है। शहर के बीचों बीच ये ड्रग के बिजनेस ने सबको चौंका दिया है। ये जानने के बाद यहाँ पर बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी है। सभी लोगों के चेहरे पर शौक और चिंता साफ झलक रही है। हमारे रिपोर्टर के अनुसार 6 किलो ड्रग्स पुलिस ने यहाँ से बरामद किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 3 करोड़ रुपए का कोकेन यहाँ से पकड़ा गया था। अभी तक 6 किलो मिल बरामद हुआ है। यहाँ से आसानी से सप्लाई के लिए कोकेन को कॉफी के पैकेट्स में भर के रखा गया था। केस के मुख्य संदिग्ध राजीव अपर्णा, इन दोनों को अरेस्ट किया गया है। इस शॉप के डिलीवरी बॉयज को पुलिस पूरे सिटी में ढूंढ रही है। अब जानना ये है कि कौन कौन से लोग इस केस से जुड़े हुए हैं। कॉफी के बहाने ये लोग पूरे शहर में युवाओं को ड्रग्स के चपेटे में ले रहे थे। इसके बारे में तो मुझे पहले ही मालूम था। हाँ हाँ, ये तो यहाँ पहले से ही चलता था। टिकट भाई, टिकट। एक कोयंबतूर। कितने हुए? 50 रुपए। वो दोनों कितने समय से यहाँ रहते हैं? मैंने बस उनको यहाँ पर देखा है। हाँ? ऊपर वो 7th फ्लोर में उनका फ्लैट है। यहाँ किसी से कोई पंगा नहीं किया उन्होंने। पहले चंद्रन उनके फ्लैट में रहता था, दूसरा लड़का बस अभी अभी रहना शुरू किया है। देखने में कोई शक नहीं कर सकता उनके ऊपर। P15 कॉलिंग कंट्रोल रूम, P15 मोबाइल कॉलिंग कंट्रोल रूम। यहाँ पर नारकोटिक्स का केस है। कोची बीच के पास एक सस्पेक्ट है, यहाँ मिसिंग है वो फिलहाल। उसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है, ये ब्लैक पैंट पहने हैं और इसके हाथ में एक बैग भी है। मुझे ऐसा शक हो रहा है कि शायद ये कॉफी शॉप केस है, कोची वाला। रॉजर सर। ओवर सर। बीच के
आसपास ही ढूंढ रहे हैं उसे। ओवर। जॉय, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, अभी कॉल करने का कारण? मेरे ऊपर क्यों गुस्सा हो रहे हो? क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है जॉय? किसी ने कोई गलती नहीं की, सारी गलती मेरी ही है। इसकी सजा मैं ही सहूंगा, मुझे अकेला छोड़ दो। जॉय, डिस्टर्ब मत करो, कितनी बार समझाऊं? अरे तो फिर मैं नहीं कॉल करूंगी, सॉरी जी। हेलो हेलो क्या हुआ, ब्रेकअप हो गया क्या? कौन है ये लड़की? अरे मैं बोल रहा हूँ कृष्णन, एचआर मैनेजर। सॉरी सर, मैंने पहचाना नहीं। अरे मैंने बहुत बार कॉल किया तुमको, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? और अभी कहां पर हो तुम? अभी मैं बीच पर हूं सर। बीच पर? फ्लैशबैक्स के लिए बढ़िया जगह है वो। तुम्हारी कहानी सुन के मैं बड़ा फैन हो गया हूँ। देखो जिंदगी में मुश्किलें हम सबके साथ आती हैं, हम उससे कैसे बाहर निकलते हैं वही जिंदगी का एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। और तुम जहां भी जा रहे हो वहां कुछ ना कुछ हो रहा है, क्या किस्मत है ये? सुनो, मैंने कॉल किया ये बताने के लिए कि कल दोपहर 3 बजे इंटरव्यू है। डिटेल्स मैंने मेल कर दी है, लेकिन तुम्हारे पास मेल देखने के लिए भी वक्त नहीं है। थोड़ी देर अपनी हिस्ट्री भुला के हाइप हो जाओ और इंटरव्यू के लिए थोड़ा स्मार्ट बन के आना। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं 3 बजे वहां पहुंच जाऊंगा। ओके, गुड नाइट। समझाओ। ड्रग्स के नशे में डूबे लॉ कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स की वजह से एक पूरा परिवार एक भयानक एक्सीडेंट का शिकार हो गया है। दिल के पेशेंट को मेडिकल कॉलेज ले जाने वाली एम्बुलेंस को नशे की हालत में टक्कर मारने वाला और कोई नहीं बल्कि एर्नाकुलम लॉ कॉलेज का दूसरे साल का विद्यार्थी जॉय एंड्रयूज है। नशे में जीने वाला ये लड़का बिजनेसमैन एंड्रयूज जोसेफ का बेटा है।
एम्बुलेंस में मौजूद पेशेंट और उसकी पत्नी का घटना स्थल पर तुरंत देहांत हो गया। जॉय एंड्रयूज और उसके साथ के चार और विद्यार्थियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। सर, हम लोग लाखों खर्च करके अपने बच्चे को इस केस से बाहर निकाल रहे हैं। देखिए, मैं कोई फीस नहीं लूंगा, लेकिन जॉय की बेल के लिए 25 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि गाड़ी वही चला रहा था और उसके पक्के सबूत भी है मेरे पास। जासमीन को कितनी बार बोला था गाड़ी धीरे चलाने को? हमेशा ओवर स्पीड, एक्सीडेंट क्यों नहीं करेगा? सुबह से ही नशे में रहता है। देखिए, आप लोग यहाँ अगर हल्ला करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। एंड्रयू सर, आप इन लोगों को समझाइए, फैसला कीजिए। सर, बच्चे हैं, बच्चे ही गलती करते हैं और फिर माँ बाप उनके लिए बेल भी तो लेते हैं। हमारे जॉय के लिए ऐसा कीजिए ना सर। नहीं, ज्यादा मत बोलो, तुम अपना काम करो। मेरे हाथ में पैसे नहीं है भाई, उसके लिए तो मैं एक रुपया खर्च नहीं करूंगा। इसके लिए तो जेल ही सही है, नमक खाया है तो पानी तो पीना ही पड़ेगा। पुराना मॉडल है, 1000 रुपए दे सकता हूं। पूरा केरला इज्जत करता है एंड्रयू सर की। एंड्रयू सर खुद कॉल करके बोले अरेस्ट करने के लिए। किसका फ्लैग सही है, दिखाओ जरा। वो क्या है ना, सब इंस्पेक्टर को दिखाने के बाद ही किसी और को दिखाने को बोला है। वो वाइस प्रेसिडेंट बनने की खुशी में बनाया होगा, और क्या होगा। सर और क्या? सर, इस केस में मैं अपराधी नहीं हूँ सर। सर अंदर बैठे हैं, जो भी है उनको जाके बोलना। NTPS है, बाहर जाने का कोई चांस नहीं है, नॉन अवेलेबल है, जाके बात करके देखो। भाई, कौन है तेरे कलूर वाले घर पे? हाँ वो सर। तेरी बहन की शादी कैसी रही रहे? सर हैंस। हैंस? ये तो कोकेन वाला। ये फ्लेक्स वाला सर। हैंस पी थॉमस। अरे जो भी नाम है, चल खुल। अरे सॉरी सर। बड़ा ज्यादा फूल मांगता है ना, करेक्ट? चल जा। ठीक है सर, अभी जाके बढ़ा देता हूँ सर। बढ़िया रे, कितना बनाया तूने इसका? 25 बनाया सर। ए बनू, इसको चिपकाने का है सब। ठीक सर। हाँ, वैसे लोग अपना सुपरस्टार का है। अरे कौन था रे वो? सर, वो अमजद खान। अमजद खान कौन है? जानता है? अरे सर 20 साल हो गए उसको मरे हुए। फिर से धोखा दिया तूने। चल यहाँ खड़ा हो जा, अब तेरी ठुकाई की जाएगी। तू जेल से फरार होके कालीकट में क्या कर रहा था? बहन की शादी के लिए उधार मांगने आए हो? वेट कर रहा हूं मैं, ये बोला था ना? सर, जेल से भागा नहीं था, सजा पूरी की थी। कितने साल की थी? 8 साल। 8 साल? हाँ सर, इस केस में अपराधी मैं नहीं हूं। खुद ही तय कर लिया तूने,
कि अपराधी तू नहीं है? मुझे आज एक इंटरव्यू के लिए जाना है सर, 3 बजे है इंटरव्यू, मुझे प्लीज जाने दीजिए सर। अच्छा तो इंटरव्यू है तेरा, बेटा 12 साल बाद जाएगा इंटरव्यू पे, समझा? गुड मॉर्निंग सुपरिटेंडेंट सर। जी जेल सुपरिंटेंडेंट सुब्रमण्यम बोल रहा हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं एक बात जानना चाह रहा था आपसे जरा। बोलिए। वो पिछले महीने रिलीज हुआ था ना जॉय एंड्रयूज, हाँ जी, हाँ उसके बारे में थोड़ी जानकारी। क्या है? सर क्या ना कि उसे ड्रग केस में अरेस्ट किया गया है आज। कौन? जॉय? माय गॉड, और वो अभी है कहाँ? सर वो स्टेशन पर ही है। सर सर मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ सर, सर मैं कॉफी बेचता हूँ सर, मैं ड्रग नहीं बेचता सर, सर मुझे छोड़ दीजिए सर, सर मेरी कोई गलती नहीं है सर। इसकी फाइल देना जरा। सर मुझे छोड़ दीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया है। अबे चुप कर सारे। कौन है ये? ये उसी अपर्णा का पुराना नौकर था सर। सर सर मैं अगले हफ्ते दुबई जाने वाला हूँ सर, मुझे छोड़ दीजिए सर प्लीज सर। दोनों को जज साहब के सामने ले जाना है 12 बजे से पहले, ओके सर। और सुनो, मेल आएगा एक जेल से, वो साथ में रख लेना। ठीक है सर। ओके ओके सर, आप बस करो तुम। यही है वो दोनों? सर ने ये फाइल आपको देने को बोला है। ये सब मैं देखता हूँ, फाइल मैं प्रोसिक्यूटर को दे देता हूँ, तुम इन दोनों को लेके जाओ। ठीक है सर। ओके सर। अगले हफ्ते हियरिंग है। ओके मैम। सब ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। ये लीजिए मैम। ओके। गाड़ी चलाते वक्त ये पिया हुआ था? सिर्फ दारू या फिर कुछ और? डॉक्टर की रिपोर्ट में आया है कि कोकेन ड्रग भी यूज किया गया है। क्या तुम्हें पता था कि ये ड्रग्स लेता है? जानती थी। योर ऑनर, पॉइंट टू बी नोटेड। ये सब कुछ जानते हुए भी तुम में से किसी ने इसे रोका नहीं? मैंने मना किया था पर जॉय माना नहीं। केस नंबर 3701, कसावा पुलिस स्टेशन, वियना कॉफी शॉप एम्प्लॉई जॉय एंड्रूज। सुनो, दूसरा पेन है तुम्हारे पास? है सर, ये लो। हाँ बहुत अच्छा है, आगे पढ़ो। फोर्थ डिफेंडेंट जॉय एंड्रूज, फिफ्थ डिफेंडेंट गोपी कृष्णन। अरे रे, तुमको क्या हुआ? सर कसम से मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ सर। तो तुम प्लेंटिफ हो क्या? सर मैं कुछ नहीं जानता सर, इस केस से मेरा कोई नाता नहीं है सर। सर अगर मैं फंस गया तो मैं दुबई नहीं जा पाऊंगा सर। तुम रोना बंद करो, यहाँ मैं हूँ ना। यस प्रोसिक्यूटर कैन प्रोसीड। माय लॉर्ड। अच्छा तुम्हारे बॉस कहाँ है? सर वो कहीं बाहर गए हैं, कल ही आएंगे। बाहर गए हैं? पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो कहीं भी जा सकते हैं, उन्हें तो पूरी आजादी है, कहीं भी जाएं, घूम के आएं, बस हमारे नसीब में ही नहीं है। यस यू मे प्रोसीड। योर ऑनर, वियना कॉफी शॉप के नाम पर एर्नाकुलम की जानी मानी जगहों पर लग्जरी कॉफी शॉप चलाने के केस में इन्हें पकड़ा गया है। पहला डिफेंडेंट राजीव और दूसरा डिफेंडेंट अपर्णा मिलकर इस कॉफी शॉप के नाम पर कोकेन और हशीश जैसे इलीगल ड्रग्स केरला की कई जगहों पर पहुंचाते थे।
आज कस्टडी में लिया गया चौथा डिफेंडेंट जॉय एंड्रयू और पांचवा डिफेंडेंट गोपी कृष्णन अब तक अरेस्ट नहीं हुए चंद्रन अपर्णा और राजीव के नीचे काम करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। कॉफी पाउडर को अलग अलग शॉप्स में पहुंचाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर उन कॉफी पैकेट्स में ड्रग्स है इसकी जानकारी उनके पास थी क्या? ये जानते थे इस बारे में? सर इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता सर। अच्छा आपकी राय भी सुन लेते हैं, आप क्या कहते हैं? इनका ये जानना जरूरी नहीं था। लेकिन राजीव और अपर्णा ड्रग्स को कॉफी पाउडर के नाम पर जानबूझकर बेचते थे ये बात पुलिस एफआईआर में दर्ज है। इस धंधे में उन दोनों के अलावा भी कई और लोग इन्वॉल्व हैं जो असली खिलाड़ी हैं। इस केस को प्रूफ करने के लिए उन सभी लोगों को सामने लाना होगा। इन बेचारों के सर पे सारे इल्जाम लगा सकते हैं लेकिन प्रोसिक्यूशन एक बात समझ लीजिए, इसकी वजह से असली अपराधी कानून से नहीं बचना चाहिए, ये हम लोगों का फर्ज है। इसके पहले भी जेल जा चुका है जॉय एंड्रूस, लेकिन जेल से उसको एक क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड मिला है। यहाँ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बातें हम मान रहे हैं, ये लोग कभी नहीं जानते थे कि वो ड्रग्स बेच रहे थे और ये लोग फंस गए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सर। अरे वो नहीं, इसमें तुम्हारा ओपिनियन क्या है? सर आप सही कह रहे हैं। हाँ इसलिए इन दोनों को 4 साल की सजा देकर इतने बड़े केस को क्लोज करने के लिए मैं राजी नहीं हूँ। इन्वेस्टिगेशन दोबारा बिठाइए, तब तक ये केस बंद नहीं होगा। तो इसीलिए पहले डिफेंडेंट राजीव और दूसरे डिफेंडेंट अपर्णा के जरिए इस केस के पीछे छुपे सारे अपराधियों को ढूंढ कर निकालना है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट समय समय पर कोर्ट में हाजिर करनी है, ये कानून का फैसला है। बेल ग्रांटेड। बैठो अंदर आओ। आज 3 बजे इंटरव्यू है ना? इंटरव्यू की बात तो तुम्हारे स्टेटमेंट में देखी थी मैंने, लेकिन केस तो नॉन अवेलेबल था। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। क्या ये सब? पहले कोर्ट हियरिंग और अब इंटरव्यू। जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ होता है जिस पर हमें यकीन नहीं होता। थैंक यू जैस्मिन, अगर आज तुम कोर्ट में मेरी हेल्प नहीं करती तो मैं आज वापस जेल जा सकता था। मैंने तुम्हें कैसे बचाया जानते हो? पैकेट के अंदर कोकेन थी ये बात मैं नहीं जानता था ये बोलकर। चलो अब ये सब छोड़ो, इसके बारे में मत सोचो अभी, अभी तुम इंटरव्यू के बारे में सोचो। कहीं तुम जानते तो नहीं थे? अरे नहीं मैं सच कह रहा हूँ। जॉय वैसे तुम काफी बदल गए हो। क्या वाकई? Is there anything wrong? No, I mean positively. मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ। सच कहूँ तो मैं हमेशा सोचती हूँ हमारी कॉलेज लाइफ के बारे में। मैं उसके बारे में नहीं सोचता। अब तो सब ठीक हो गया है, अब तो तुम सोच सकते हो। कभी कभी मैं और मेघा मिलते हैं, हम दोनों तुम्हारे बारे में ही बातें करते हैं। उसकी शादी हो गई है। और तुम्हारी फैमिली? हम इसी शहर में रहते हैं, मैं पापा मम्मी। थैंक यू, तुम्हारी हेल्प मैं कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा तो ऐसी बात है। वैसे कितना टाइम लगेगा तुम्हें इंटरव्यू में? पता नहीं, शायद जल्दी खत्म हो जाएगा। दिस इज जस्ट एन ओरल इंटरव्यू, रिटन टेस्ट तो पहले ही हो चुका है। ओके ओके। तुम अच्छे से इंटरव्यू देकर आओ, मैं वेट करती हूँ। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सर। ओ ये लो, बिल्कुल टाइम पे पहुंचे हो तुम। वैसे आज मुझे आना नहीं था, एचआर इंटरव्यू तो हो गया, तुम्हारे लिए आया हूँ। सब ठीक तो होगा ना सर?
कम ऑन, बी ऑप्टिमिस्टिक। एक नए सीईओ ने चार्ज लिया है, वही तुम्हारा इंटरव्यू लीड करेंगे। तुम एक काम करो, रिसेप्शन में वेट करो। ओके सर। ओके ओके। हेलो। यस सर। ओके सर। जॉय एंड्रयूज। गुड आफ्टरनून सर। जॉय, क्या पहली बार इंटरव्यू अटेंड कर रहे हैं? ऐसा नहीं है सर। बीसीए किस कॉलेज से किया है? बीसीए मैंने डिस्टेंट लर्निंग से किया है सर। पिछले 8 साल क्या तुम जेल में थे? एक कार एक्सीडेंट में 2 लोगों को मारने के लिए 8 साल का जेल सेंटेंस, दैट्स टू मच। ड्रग्स यूज करके गाड़ी चलाने से सजा बढ़ेगी ही, है ना? नशे में गाड़ी चलाना और एक्सीडेंट में किसी की जान चली जाए तो सारी उम्र के लिए जेल जाना तो पड़ेगा ही ना। सर वो गलती से हो गया, वरना किसी को मारने के लिए गाड़ी थोड़ी ना चला रहा था। हम इंटरव्यू कंटिन्यू करते हैं सर। अच्छा जॉय, तुमको बीसीए में 82% मार्क्स मिले हैं ना? यस सर। व्हाट डज ओएसआई स्टैंड फॉर? ओएसआई स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। गुड। व्हाट इज मैप रिड्यूस? जॉय टेंशन मत लो, सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चंस के बेसिस पे हम सिलेक्शन नहीं करते यहाँ। गलत हो जाए कोई बात नहीं, बस कॉन्फिडेंट होकर आंसर दो। आंसर प्लीज। मैप रिड्यूस इज अ प्रोग्रामिंग मॉडल एंड एन एसोसिएटेड इम्प्लीमेंटेशन यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग एंड जनरेटिंग लार्ज डेटा सेट्स विद अ पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम ऑन अ क्लस्टर। इस कंपनी में जॉब मिलने के बाद भी ऐसे इंसिडेंट्स करके तुम कंपनी की इज्जत खराब नहीं करोगे, ये तुम यकीन के साथ बोल सकते हो? मतलब यहां का एक एम्प्लॉय जेल में है, ऐसी एक भी न्यूज नहीं आने दूंगा, ऐसा वादा कर सकते हो तुम? जी सर। लेकिन मेरे 8 साल जेल में बिताने के लिए सिर्फ वो इंसिडेंट ही जिम्मेदार नहीं है सर, मुझे जेल भेजने में मेरे डैडी की जिद भी शामिल थी। कोई भी बाप ऐसी जिद नहीं कर सकता। But my father was an exception. तुम्हारे फादर के वो डिसाइड करने के कारण ही तुम इतने सीधे से बैठे हो। No sir, उनका वो डिसीजन मेरे लिए बहुत बुरा साबित हुआ। वरना वो दोस्त जिनके माता पिता ने पानी की तरह पैसा बहा दिया उन्हें बचाने के लिए, वो बेवकूफ नहीं हो सकते। उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके वकीलों को हायर किया और अपने बच्चों को बचाया। उनसे ज्यादा पैसा वाला होने के बावजूद मेरे डैड ने किसी भी लॉयर को हायर नहीं किया। वो सारे दोस्त आज अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच गए हैं। उसके बाद उन लोगों ने कभी कोई गलती नहीं की। उनकी जिंदगी के 8 साल बर्बाद नहीं हुए सर। But that's my fate. Please calm down. You know, बहुत शोहरत और ज्यादा प्यार मिलने वाले बच्चों को अक्सर ऐसी तकलीफें आती हैं। Yes sir. लेकिन मैं उसमें भी फिट नहीं होता। मेरे घर पर पैसा था, लेकिन 2 साल की उम्र में मेरी माँ के मरने के बाद प्यार और केयर मैंने नहीं देखी। मेरी दीदी या अगर कोई और मुझे प्यार करता तो मेरे डैड उसे रोकते थे। मुझे अपने डैड का पैसा नहीं चाहिए था, कम से कम एक बार मेरे डैड मुझसे मिलने तो आते। किसी को सुधारने के लिए उसे अकेला छोड़ देना, क्या यह सही है? That's enough. इस इंटरव्यू में बताने वाला मैटर नहीं है ये। इस कंपनी में नौकरी चाहिए तो यहां कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जाए तुम अभी भी ड्रग्स लेते हो? नहीं। दारू पीते हो? बियर पीता हूं कभी कभी। बियर भी दारू ही है, इसीलिए तो मैंने कहा कि मैं बियर पीता हूं। सर नो, एक ड्रग एडिक्ट के पास्ट हिस्ट्री को नजरअंदाज करके हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। सर मेरी पास्ट लाइफ से इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, एचआर ने मुझे ऐसा बोला था, मैं इसीलिए यहां पर आया। नाउ आई से दैट शुड ऑल्सो बी आवर कंसर्न, यू मे लीव।
मैं हूं चंद्रन। और सुनो, वो फोन हाथ में मत रखना, उसे कहीं जाकर फेंक देना। मैंने भी अपना फोन फेंक दिया। तुम्हारे पास अगर वो फोन रहा, पुलिस तुम्हें जल्दी पकड़ लेगी। मुझे पकड़ा था पुलिस ने। कौन? पुलिस? और फिर? मुझे अरेस्ट किया, बाद में बेल मिली, मैं बाहर आ गया। अरे जॉय मेरे भाई, मुझे नहीं पता था कि ये लोग ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं। लेकिन बाद में ना मुझे थोड़ा शक होने लगा जब मैंने उनके बिजनेस का मुनाफा देखा। अरे मैं तुझे क्या बताऊं, मैं तो खुद ही धोखा खाए बैठा हूं। ये पुलिस, ये जेल, इस सबसे तो मुझे पहले ही डर लगता है। मैं इसीलिए चला गया था कोयम्बतूर। यहाँ पर मेरी मामी के बेटे का एक फार्म हाउस है। इस फार्म हाउस में ये भैंसों को पालता है। मेरे लिए तो ये सही काम है। अगर मैं वहां हूं तो क्या मुझे कोई जॉब दिलवा सकते हो चंद्रन? तुम्हें? तुम यहाँ आकर गोबर उठाओगे क्या? मुझे अब तक यहाँ कोई नौकरी नहीं मिली है। अबे तुम तो एक इंटरव्यू देने वाले थे, है ना? क्या हुआ उसका? वहां कुछ नहीं होगा। डैड थे कंपनी के सीईओ। सर फिर क्या हुआ? नौकरी ना मिलने का गम नहीं, लेकिन अपने दिल की भड़ास निकाल पाया, ये खुशी है। हे भगवान। मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। अगर तुम्हें मंजूर है चंद्रन तो बताओ, मैं वहां आ जाऊंगा, नहीं तो मैं कहीं और ही चला जाऊंगा। अरे भाई मैं हूं ना तुम्हारे लिए, भैंस का गोबर उठा के भी मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम अगली बस पकड़ के यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें कोयम्बतूर बस स्टॉप पर मिलूंगा। हेलो सर। हाँ जॉय, कहाँ हो तुम? मैं टाउन में हूँ सर। किस टाउन में? बस स्टैंड पर हूँ सर। बस स्टेशन? वहाँ क्या कर रहे हो? मुझे अभी कहीं पर जाना है सर। ओके, अच्छा मेरी बात सुनो, वहीं रुक कर तुम वेट करो, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। ठीक है, मैं बस थोड़ी ही देर में पहुंचता हूँ। ओके जॉय, जॉय ये मेरा घर है, तुम डरो मत, अंदर आ जाओ। डैडी। आओ आओ आओ, तुम बैठो। जी। मामा को जानते हो? देखो टू कॉफी। एक काम करो, मम्मी को जाके बोलो कि जल्दी कॉफी लाएं। जाओ जल्दी। सर आपको क्या बात करनी थी, हम यहाँ पर क्यों आए? हाँ हाँ बताता हूँ, तुमने आज इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इंटरव्यू खत्म होने के बाद भी हम सब तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे थे। डैडी के सामने जानबूझ के परफॉर्म कर रहे थे ना? वो मेरे डैडी है, आपको पता था सर? तुमने मेरे बारे में क्या सोचा है? तुम सोच रहे होगे कि मुझे कैसे पता चला, है ना? या फिर मैं क्यों तुमको सपोर्ट करके तुम्हारा साथ देता जा रहा हूँ? तुम्हारे जैसे एक आदमी का वेयर अबाउट्स पता करना हमारे लिए बहुत आसान है। तुमने उस दिन मुझे अपनी कहानी बताई थी ना, तभी से तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैंने तुम्हारे डैडी के साथ तुम्हारे लिए आर्ग्यू किया। नो मिस्टर कृष्णन, ऐसी बातें मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, मेरी अपनी कुछ पॉलिसीज हैं। मैं आपको सलाह कभी नहीं दे सकता सर, मुझे बस एक ही बात बोलनी है, जॉय आपका बेटा है, आपको इतनी जिद और एरोगेंस शोभा नहीं देती सर। प्लीज स्टॉप इट, ये बातचीत यही खत्म करते हैं। जॉय के अपॉइंटमेंट फाइल में मैंने एक नोट लिखा है, वो फाइल वहीं क्लोज कर दी है। वो फाइल आप क्लोज कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ फाइल्स जो कभी नहीं क्लोज कर सकते वो कभी भी ओपन हो सकता है, एंड दैट विल हॉन्ट यू टू द एंड ऑफ योर लाइफ। सर जैसा आप सोच रहे हैं, जॉय वैसा एक बदतमीज और क्रिमिनल नहीं है। मानो उसने गलती की, लेकिन उसकी सजा भी तो मिल चुकी है ना उसे। मेरे और मेरे परिवार की इज्जत का सत्यानाश होने के बारे में तुम क्यों नहीं बात करते हो? किसी के भी सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं थे वो, घर बेच के शहर छोड़ना पड़ा हमें, सब जानते हो तुम। नशे में गाड़ी से ठोक कर ये साधनी और उसकी पत्नी को उसने मारा, क्या तुमको लगता है वो उसे माफ कर पाएंगे? वो बच्चे जो अनाथ हुए उनका शाप कभी खत्म होगा? और वो भी मेरी कमाई के पैसे से? एक रुपया नहीं दूंगा उसको मैं, यही मेरा फैसला है। लेकिन उसकी माँ की तरफ से जो जमीन थी 2 करोड़ से भी ज्यादा की, मैंने उसके नाम पर लिख दी है, वो नहीं बताएगा इस बारे में, सारे काम उल्टे ही करता है। सर उसने मुझे कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे पता चला, सर आपने अभी जो बातें बोली है ना उससे ज्यादा मुझे मालूम है, और उसी की वजह से उसके लिए प्यार और इज्जत बढ़ गई है मेरे मन में। सर आप लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल पेशारोद्य सर को जानते होंगे ना? बस कुछ ही साल पहले
ग्रेजुएशन सेरेमनी के समय उनकी एक स्पीच का क्लिप है ये। ये कहां से मिला मत पूछिएगा सर, एक बार देख लीजिए प्लीज। केरला के इस प्रसिद्ध लॉ कॉलेज से पढ़कर पास होने वाले, कल हमें कानून का संरक्षण देने वाले लोगों से मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, पर्सनैलिटी को समझने का हुनर एक लॉयर में होना चाहिए। मेरे ये बोलने की वजह, तुम्हारे ही साथ पढ़ने वाला एक विद्यार्थी है मिस्टर जॉय एंड्रयूज, उसकी गलती और उसकी सजा इस बारे में तुम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हो। जेल में रहते वक्त जॉय को मिली करोड़ों की प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को जॉय ने उसकी वजह से अनाथ हुए उन दोनों बच्चों के नाम पे कर दिया। इससे उसकी सजा कम नहीं होने वाली थी, ये वो भी जानता था। उस गलती की सजा अभी भी जॉय भुगत रहा है, तो अपनी गलती को मान लेना और उस गलती का पश्चाताप करना और सचमुच सुधरने वालों को समझने की कोशिश करना हमारा काम है। सर, आपको इतनी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं थी, मेरे डैड का मन कभी नहीं बदलेगा। अरे पढ़ो इसे। किसी भी बाप के लिए उसका बेटा दुश्मन नहीं हो सकता। अगर बेटा उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा ना उतरे तो वो थोड़ा बहुत लड़ेंगे हमसे, लेकिन उसका मतलब कट्टर दुश्मनी नहीं है। उनके दिल में हमेशा हमारे लिए प्यार ही होगा। कभी कभी वो छीनना पड़ता है, बस वही है। जिया का भाई। सर दोपहर को ही आ गई थी, कॉल भी नहीं किया, बताया भी नहीं, सीधा यहीं पर आ गई थी। थैंक्स डैडी, थैंक्स अ लॉट। क्यों? देखो जॉय के लिए मत बोलो, ही डिजर्व्स इट। फिर भी आई एम सो हैप्पी, इतनी खुश हूं कि बता नहीं सकती। सुनो जॉय, मैं अंदर नहीं आ रहा हूं, तुम जाओ। ठीक है सर। जॉय, ये हमारा घर है। तुम तो बिल्कुल वैसे के वैसे हो, सोचा था जेल में रहकर तुम कमजोर ना हो गए हो। कमजोर कैसे होता, तुम नहीं जानती आजकल जेल के अंदर बहुत टेस्टी खाना देते हैं कैदियों को। वो बीता हुआ कल है, आज के बाद वो सब बातें सोचना भी नहीं। Adversity brings out the best in man, ये सच है और तुमने वो प्रूव किया है। Anyways, congratulations. बेटा, तुम्हारी माँ को भगवान के पास जाने के बाद आज सबसे ज्यादा खुशी मिली होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा। समझा नहीं? यही कि हम दोनों इस तरह से साथ में होंगे। वैसे इस बुलेट का जुगाड़ कहाँ से किया तुमने? ओ ये, तुमने पहले नहीं सुना? ईश्वर जिन्हें हमारे लिए बनाता है वो हमसे दूर नहीं जा सकते, वापस आ जाते हैं। ये कोई कहावत है? बिल्कुल है, आज सुबह ही तो बनाई मैंने।